अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल लाइफ स्टाइल विद इरहा। आज हम पिंपल्स के इशू को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें पिंपल्स हो जाते हैं तो हमने इसको किस तरह ट्रीट करना है, और मैं आप लोगों को रिव्यू करूँगी एसक्लोव लोशन के बारे में और एडेप्को जेल के बारे में कि इसको हमने किस तरह यूज़ करना है और इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। अच्छा, एडेप्को जेल की बात की जाए तो ये आपको इंटरनेशनल ब्रांड में डिफरेंट जेल के नाम से मिलता है। एक्नी की काफ़ी टाइप्स होती हैं, रेड एक्नी, पस वाली भी होती है, और वो बिल्कुल छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो भी होते हैं। तो ये जेल जो है वो इन सब पे पिंपल्स पे अप्लाई हो जाता है, इन सब पिंपल्स को वो ये ट्रीट करता है। ये जेल आपके फेस पे सीबम कंट्रोल करने का रोल प्ले करती है। अच्छा, जिनको सीबम का नहीं पता तो उनको मैं बता दूँ कि सीबम जो हमारी स्किन में एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको सीबम कहते हैं, और ये उसको जो है वो ट्रीट करता है। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग इसके बारे में ये सवाल करते हैं कि हम क्या इसको फुल फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और फुल फेस पे अप्लाई करके हम सो जाएं रात के टाइम। तो मेरी तरफ़ से तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि हम पूरी रात जो है वो कोई क्रीम यूज़ करें, क्योंकि क्रीम जो है वो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देती है। बल्कि इसकी यूजेज की बात की जाए तो आपने इसको पहले शुरू में 2 घंटे के लिए लगाना है, फिर आप 3 घंटे पे ले जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको 4 घंटे पे, 5 घंटे पे ले जाएं, फिर आपने और लगाना आपने बस वहाँ पे जो आपके एरियाज हैं वो अफेक्टेड हैं, जहाँ पे आपको पिंपल्स हैं। फुल फेस पे फिर मैं आपको बता दूँ कि फुल फेस पे आपने इसको अप्लाई नहीं करना, चाहे आपको काफ़ी अर्सा हो जाए इसको इस्तेमाल करते हुए, फिर भी नहीं आपने करना। और जिस तरह आपकी स्किन यूज़ टू हो जाए फिर आप इसको रात के लिए लगा सकते हैं, मतलब रात के लिए अफेक्टेड एरियाज पे पूरी ओवरनाइट आप इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रिकॉशंस की बात की जाए तो आपने जब भी ये क्रीम यूज़ करनी है आपने इसके साथ साथ सनब्लॉक मॉइस्चराइज़र मस्ट लगाना है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो क्रीम लगाने से सेंसिटिव हो जाती है। तो उसके लिए आप जब बाहर जाते हैं सन रेज़ आप पे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए आपने सनब्लॉक लगाना है और स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, क्योंकि इस तरह की जेल जो है वो आपकी स्किन को ड्राई करती हैं। अब इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 230 की रेंज में मिल जाता है। चलिए जी, अब हम एसक्लोव लोशन के बारे में रिव्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको फार्मेसी से एसक्लोव लोशन नहीं मिलता तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट में आपको काफ़ी सारे लोशन और मिल जाते हैं जिनका फार्मूला बिल्कुल सेम इसी तरह का है, और वो काम भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही करते हैं। डाइसिलिन टी और क्लाइसिन टी, ये दोनों लोशंस हैं, बिल्कुल इन दोनों का फार्मूला सेम इसी तरह का है, और तीनों को कंपेयर किया जाए तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं और तीनों ही मैंने यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर तो आप लोगों को स्वेयर रखनी है तो आपने बिल्कुल भी अपना इलाज खुद नहीं करना, आपने खुद क्रीम्स नहीं यूज़ करनी है, कुछ भी नेट से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, किसी का भी रिव्यू देख लिया और आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आपने जाना है डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर जो वो आपको क्रीम यूज़ करने के लिए कहते हैं आपने वो क्रीम यूज़ करनी है। सेकेंडली, अगर आपके पिंपल्स जो आपको निकलते रहते हैं, आपको पिंपल्स का इशू, आप कोई ऑयली फूड खा लेते हैं तब निकल जाते हैं, या कुछ भी आपको होता है तो आपको निकलते हैं, तो तब आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। एडेप्को जेल आपको सूट नहीं करती, आप लोशन की तरफ मूव कर जाएं, लोशन नहीं सूट करता आप ये जेल यूज़ कर लें। अगर आपको ये दोनों चीज़ें सूट नहीं करती तो आप कोई और नेट से निकाल के देख लें। वैसे तो मैंने आपको ये दोनों ट्रीटमेंट ऐसे बताए हैं कि अगर आप खुद अपना इलाज करना चाहते हैं तो आप ये दोनों क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, ये जेल यूज़ कर सकते हैं, लोशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हर तरह के पिंपल पे अप्लाई हो जाता है। अच्छा, इसका वाइट लिक्विड सा टेक्सचर होता है, और आपने बिल्कुल बस पिंपल्स जहाँ पे आपको आए आप खाली वहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा, इस लोशन की बात की जाए तो ये लोशन मेरा फेवरेट है, किसी भी तरह की आपको एक्नी हुई हो, पस वाले हों, छोटे दाने हों, यहाँ तक कि ये एलर्जी वाले दानों को भी कंट्रोल करता है, तो ये लोशन मेरा तो फेवरेट है। और इसके लिए भी आपने सेम प्रिकॉशंस यूज़ करनी है, आपने सनब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है बाहर निकलते वक्त, और साथ में मॉइस्चराइज़र आपने मस्ट अप्लाई करना है। ये दोनों चीज़ें तो वैसे भी आप अपनी स्किन रूटीन का हिस्सा बना लें। अच्छा, मैं अपना रिव्यू दूँ तो ये काफ़ी जल्दी मेरे पिंपल्स को ट्रीट करता है। अच्छा, मैं आप लोगों से अपनी पिंपल्स जर्नी शेयर करूँ तो एक टाइम ऐसा था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे, और वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने बहुत सारी जेल्स यूज़ करके देखी, लोशंस यूज़ करके देखे, पर कुछ भी नहीं हुआ। खैर, मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया पर तब भी कुछ नहीं हुआ। खैर, आगे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी इस पर कि मैंने किस तरह अपनी एक्ने ट्रीट की। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें।